अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सबक नंबर 9 मराठों की जंग आज़ादी से छत्रपति राजा राम महाराज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अजीज तलबा, हमने इससे पहले सबक के हिस्से में छत्रपति संभाजी महाराज, सिद्दी और पुर्तगालियों के खिलाफ मुहिम, आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमतों का खात्मा, संभाजी महाराज का मुल्की कामकाज और संभाजी महाराज की मौत के बारे में तफसीलवार मालूमात हासिल की है। अजीज तलबा, अब हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि छत्रपति राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे। वो 24 फरवरी को किले रायगढ़ में पैदा हुए। 11 मार्च 1690 में छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद राजा राम महाराज छत्रपति बने। शहंशाह औरंगजेब को महसूस होने लगा था कि अब मराठों के इलाकों पर कब्जा करना इनका ख्वाब पूरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने रायगढ़ के किले का मुहासिरा करने के लिए नए सिपह सालार जुल्फ़िकार खान को मुकर्रर किया और रायगढ़ का मुहासिरा कर लिया। रायगढ़ के मुहासिरे के वक्त राजा राम महाराज, इनकी बीवी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की बीवी यशोबाई और बेटा शाहू रायगढ़ के किले में मौजूद थे। इन तमाम लोगों का एक ही जगह होना खतरे से खाली न था, लेकिन यशोबाई ने इस मौके पर बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करते हुए किसी भी हालत में मुगलों के कब्जे में न जाने का फैसला करते हुए रायगढ़ किले पर कुछ अहम सियासी फैसले किए, जिनके मुताबिक ये तय पाया कि राजा राम महाराज रायगढ़ के किले के मुहासिरे से बाहर निकल जाए और ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज के मकाम जिंजी चले जाए। इसी तरह ये भी तय पाया कि महारानी यशोबाई अपनी कयादत में रायगढ़ की लड़ाई जारी रखे। यशोबाई ने अपने बेटे को छत्रपति ना बनाते हुए राजा राम महाराज को छत्रपति बनाने का फैसला किया। ये फैसला स्वराज से इनकी मोहब्बत और अपने मफाद की कुर्बानी की उम्दा मिसाल है। उन्होंने अपने बेटी की जान की परवाह ना करते हुए मुगलों से छत्रपति राजा राम महाराज की हिफाजत को तरजीह देते हुए हिकमत अमली से काम लिया।